हेलो नमस्ते खमांगणीसा, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी उस शख्स के ऊपर है जिन्होंने प्रयास करने की सारी सीमाएं तोड़ दी और कुछ ऐसा कर दिखाया कि किस्मत को चमकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की मिट्टी से जन्म लिए प्रेम कुमावत जी की, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रेम कुमावत जी वो इंसान है जो लाखों की भीड़ में 1% में गिने जाते हैं। जी हाँ, इन्होंने कुल 10 साल तक तैयारी करी और 24 एग्ज़ाम में फेल होने के बाद 25वें एग्ज़ाम में इनको सफलता मिली। तो आइए जानते हैं उनकी स्ट्रगलिंग की कहानी, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ करी, जो खामियाँ थी, जो अच्छाइयाँ थी, उनको वो सही करते गए और आगे बढ़ते गए। इस कहानी से हम ये ज़रूर सीखेंगे आज कि कैसे प्रेम कुमावत जी ने जो गलतियाँ करी, वो गलतियाँ हम ना करें, या आने वाली पीढ़ी जो इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है या किसी बिजनेस में आने की तैयारी कर रही है, तो वो ये गलती ना करें और जो अच्छे काम उन्होंने किए, जो पॉजिटिव चीज़ उन्होंने करी है, वो चीज़ हम भी अपनाना चाहें या वैसा कुछ हम भी करना चाहें। तो हम देखते हैं, फुल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की। स्कूल में आते ही प्रेम कुमार जी के साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें उनके फादर साथ छोड़ के चले गए, जहाँ उनका देहांत हो गया। तो स्टार्टिंग से ही उनके यहाँ फैमिली इश्यूज रहे, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही बचपन में। क्लास 1 से 5 तक उन्होंने पढ़ाई करी, जिसमें वो साथ साथ में अपने घर को भी देखते थे, यानी कि घर में भी हाथ बटाते थे, जैसे कि बकरियों को चराना, घर के छोटे मोटे काम करना, और जिस दिन स्कूल होता था तो स्कूल के बाद में बकरियों को चराना वगैरह। उन्होंने कक्षा 1 से 12 तक पूरी पढ़ाई करी। सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, बहुत से प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे। तो इसके चलते उन्होंने साथ ही साथ फार्मिंग वर्क भी स्टार्ट किया, खेत में काम करना स्टार्ट किया। छोटा मोटा जो भी काम करते हैं उससे उनकी आमदनी चलती है और घर का गुजारा होता है। कई बार तो ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं कि पूरे दिन खेत में सिंचाई करी और रात को घर जाने के बाद अगले दिन उनका एग्ज़ाम होते थे, यानी कि स्कूल के एग्ज़ाम होते थे, बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, ऐसे भी दिन उन्होंने निकाले हैं। अब आप ही समझ सकते हैं, इस सिचुएशन में पढ़ाई करना, स्टडी करना इज़ नॉट अ सिंपल जॉब। ये सिलसिला चलता रहा। कई बार ऐसा भी हुआ कि रात में पढ़ते वक्त उनके वहाँ लाइट भी नहीं होती थी, यानी कि दीपक की लाइट में पढ़ा जाता था। तो इससे आप देख सकते हैं कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, पर अब इससे आगे वो कॉलेज में जाने वाले थे और उनका जीवन बदलने वाला था। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ, क्या डिसीजन लिए, क्या सिचुएशन हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई कि उनका आने वाला जीवन पूरा ही बदल गया। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि मुझे इस संघर्ष भरे जीवन से बाहर निकलना है, मुझे इस जो संघर्ष का घेरा है, जो मेरे चारों तरफ है, उससे मेरे को बाहर कदम रखना है। ये उनके दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता था। पर वो कहते हैं ना कि सोचने से थोड़ी सफलता मिलती है। उनके साथ इतनी कठिनाइयाँ होती थी कि कभी कभी रात रात भर उनको खेतों में काम करना पड़ता था और अगले ही दिन जाके एग्ज़ाम देना। यही सोच के वो एक बात अपने दिमाग में ठान ली थी उन्होंने कि हजारों की भीड़ से अलग होना है, कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है कि उनकी फैमिली की आर्थिक तंगी दूर हो जाए और उनकी आने वाली पीढ़ी जो इस कष्ट संकट से दूर हो जाए। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी। अब कोचिंग की फ़ीस आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं साथ साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगा, जिससे कि मेरा घर भी चलता रहेगा, मेरी कोचिंग की फ़ीस भी होती रहेगी और मैं पढ़ाई भी करता रहूँगा। अब आपको मालूम है कि जॉब करते करते साथ में पढ़ना है, बहुत ही मुश्किल जॉब है। तो कई बार ऐसा होता था कि उनके साथ में कि वो पूरे दिन स्कूल में पढ़ाते थे, फिर शाम को आते थे, शाम को आने के बाद जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो उन्हें नींद आने लग जाती थी, थकान सी होती थी, तो कई कई बार वो पढ़ नहीं पाते थे। इस सिलसिले को चलते चलते काफ़ी दिन बीते और उनको लगा, जब डिप्रेशन में आने लगे वो, तो उनको बस दिमाग में यही घूमता था कि जो पिछली ज़िंदगी है, जो पहले का दिन गुजरे हैं, जो मुसीबत के दिन गुजरे हैं, वो वापस ना आ जाए, कहीं वो सामने वापस ना उनको दिखने लग जाए, या वो पूरी ज़िंदगी ऐसा ना करे। बस यही सोच के वो अगले दिन से वापस हिम्मत जुटा लेते थे और पढ़ने लगते थे। उन्हें एक किस्सा हमेशा याद आता था कि उनके घर में जब वो 4 भाई बहन और माता जी रहते थे, तब उनका घर भी इतना पक्का घर नहीं था। जब बारिश का समय आता था तब घर में बूंदें रसने लग जाती थी, पानी आने लग जाता था, तो वो अलग अलग जगह बर्तन रखते थे पानी इकट्ठा करने के लिए, ताकि पानी नीचे फैले ना, पानी जमा ना हो, तो अलग अलग जगह बर्तन रखने पड़ते थे। समझिए, पानी से पूरा भर रहा है जगह, अब ऐसे में नींद कैसे आएगी, और नींद तो छोड़िए पढ़ाई कैसे होगी। यही सोच के वो हमेशा मोटिवेट रहते थे और पढ़ते रहते थे।
अब ये हम सबको रिलेट करना है, जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कुछ करने के लिए ठान लें, आपको वो बनना है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अपने दिमाग में फीड कर लें कि आप वो क्यों कर रहे हैं। एक पक्का मोटिव ज़रूरी है। एक डिसीज़न अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत यानी कि आपको कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए कि आप वो करना चाह रहे हो, वो भी बहुत ठोस कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन हुआ कर रहे हो, वो चीज़ आप काफ़ी दिन तक या ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। इसको अच्छे से जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने का उद्देश्य आपने क्यों चुना, ये एक दिमाग में फीड कर लीजिए कि आपने क्या सोच के डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। या आप किसी को दोस्त को देख के किया है, या फिर आपके घर में कोई है पर्सन जिसको वो डॉक्टर है, उसको देख के आपने किया, डिसाइड किया है कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा। ये अगर डिसीजन आपने लिया है कि मैं सिर्फ इसी लाइन में जाना चाहता हूँ और उसके पीछे आपका ठोस रीज़न है, तो आपकी सफलता बहुत जल्द आपके पास होगी। अब जब ये कठिनाइयों भरा संघर्ष चल रहा था प्रेम कुमावत जी के, जब जॉब भी चल रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी, घर का ध्यान भी रखना था, तो उस सिचुएशन के ऊपर मेरे को एक कवि की दो लाइनें याद आ रही है कि ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना, ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती है। जब उन्होंने ये तैयारी स्टार्ट करी तो वो 2011 का साल था। उसी साल उन्होंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया। पहला एग्ज़ाम देने के बाद उसका परिणाम क्या निकला कि वो फेल हो गए। उनका जो जोश था, उनका जो सपना था, उनका जो प्रयास था, चकनाचूर हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम सभी के साथ ऐसा होता है, जब हम पूरी मेहनत पूरे जोश के साथ पहला वो पड़ाव पार करना चाहते हैं कि बस ये निकल जाए किसी तरह, और वो नहीं निकलता तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद ये हमसे नहीं होगा। ये वही स्टेज है, ये वही पहला कदम है जिसमें आप हार मान लेते हैं, यानी कि 50% लोग उस भीड़ से पीछे चले जाते हैं और 50% लोग उसको पॉजिटिव लेके वापस से प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास एक मौका और है ना, जब तक मौका है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब प्रेम कुमावत जी के जीवन में एक शख्स ने उनका साथ दिया, उनको मोटिवेट किया, जो थे उनके गुरुजी जिनसे वो शिक्षा ले रहे थे, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और उन्होंने प्रेम कुमावत जी को समझाया कि असंभव कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, आप में वो हुनर है करने का और आप ज़रूर करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये सीखना चाहिए कि भाई जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे शख्स अपने साथ होने चाहिए या ऐसे लोग हमारे साथ होने चाहिए जो हमें इस चीज़ के लिए जो हमने डिसीजन लिया है उसमें हमारा साथ दें, हमको मोटिवेट करें। जैसे कि अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कुछ फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो कि डॉक्टर हैं उनसे कॉन्टेक्ट में रहें। आप ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि उस फील्ड में हैं, जो कि उस फील्ड के बारे में आपको बता सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्या गलतियाँ कर रहे हो और क्या अच्छे काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप वो पोस्ट ले सकते हो। अब क्या था, प्रेम कुमावत जी के अंदर वापस वो जोश आ गया था, वो हिम्मत आ गई थी। प्रेम कुमावत जी उन लोगों में से थे जिनको देख कर मेरे को दो लाइनें याद आ रही है कि कामयाब आदमी वही है जो चाय में पड़ी मलाई को फूक मार के साइड करके उसे पी जाए। क्योंकि चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियाँ तो आनी है, उनका क्या है, वो तो आती रहेगी जाती रहेगी, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब ये सिलसिला चलता रहा, 2013 आ गया, उन्होंने अपना दूसरा एग्ज़ाम दिया और वो फिर फेल हो गए। पर अब उन्होंने ये ठान लिया था कि वो रुकेंगे नहीं, तो वो सिलसिला चलता रहा 2019 तक उन्होंने 25 एग्ज़ाम दिए जिसमें से 24 एग्ज़ाम में वो फेल हुए, यानी कि 24 एग्ज़ाम में वो फेल हुए और लास्ट एग्ज़ाम जिसमें उनको सफलता मिली। उन 24 एग्ज़ाम में से यानी 24 एग्ज़ाम में से 10 एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें वो मात्र 2 या 3 नंबर से रह गए और उसमें से भी 5 एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें वो कुछ पॉइंट से रह गए, यानी कि 0.4, 0.3 से रह चुके हैं। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम पॉइंटों से रह जाता है तो आप क्या फील करेंगे। मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन जो गलत हो गया या नेगेटिव मार्क आ गया वो नहीं आता तो मैं आज शायद उस गवर्नमेंट सीट पे होता, यानी कि मैं शायद आज वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुका होता। तो ये होता रहता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, तो इससे डरिए मत। अगर पॉइंट से रह रहा है यानी कि आप ये समझ जाइए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका है, यानी कि ऊपर बैठे भगवान भी ये कह रहे हैं कि भाई तू एक मौका और है तेरे पास, और दे एग्ज़ाम और तू नेक्स्ट एग्ज़ाम में सफल होगा। अब वो समय आ गया था 30 नवंबर 2018 जिस दिन उनका लास्ट रिजल्ट यानी कि 25th एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। तो वो देखने से पहले जब भी आज तक उन्होंने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स देखे हैं तो उनके दिमाग में यही चलता रहता था, यही सोचते रहते थे
कि भाई जब किसी शख्स का एग्ज़ाम निकलता है यानी कि वो पास होता है तो उसकी मेंटल एबिलिटी उस टाइम क्या होगी, मतलब वो क्या सोचता होगा उस टाइम, उसे क्या महसूस होता होगा उस टाइम, ये सोच के वो हमेशा मोटिवेट रहते थे कि भाई ऐसा मौका मेरे पास कब आएगा और मेरे पास आया तो मैं उस समय क्या महसूस करूँगा। और वो मौका उनके पास आ चुका था। उन्होंने जब रिजल्ट देखा और अपना रोल नंबर सर्च किया, उसके अंदर उनका रोल नंबर था। उस समय उन्होंने वो पल महसूस किया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उनको वो खुशी, जो उस पल में खुशी मिलती है वो उनको महसूस हो रही थी, वो बयान नहीं कर सकते थे कि वो पिछले पूरे 10 साल का संघर्ष यानी कि 10 साल में 24 एग्ज़ाम में फेल होना ये कोई आम बात नहीं है। और 24 एग्ज़ाम तक आप पढ़ना यानी कि 10 साल तक रेगुलर पढ़ना, एक नियम से पढ़ना, यानी कि सुबह आप उठते हो, मॉर्निंग में मॉक टेस्ट देते हो, फिर उसको सॉल्व करते हो, फिर बाद में रिवीजन करते हो, इवनिंग में जीके पढ़ते हो, कुछ और पढ़ते हो, यानी कि एक रूटीन फिक्स होता है आपका। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि आपका एक रूटीन फिक्स हो जाता है। उस रूटीन को एक महीने भी कंटिन्यू करना आम बात नहीं होती, हर कोई नहीं कर पाता है। तो उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक साल नहीं 10 साल तक ये नियम रखा। अब 10 साल तक एक नियम को रखने के बाद उनका एग्ज़ाम निकला है। ऐसा नहीं है कि वो एक दो एग्ज़ाम तक बहुत ही कम पढ़ रहे थे या फिर बहुत छोटे से लेवल पर पढ़ रहे थे, पूरा अपना एफर्ट देके नहीं पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है। वो फुल पढ़ रहे थे, 100% देके पढ़ रहे थे, फिर भी उनका नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ ये सोचते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, हम उस पर मतलब कि तर्क देने लग जाते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, ये मेरे में कुछ क्वालिटीज़ नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ शायद इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरा ब्रेन इतना नहीं चलता इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भैया आपके पास अभी एफर्ट्स है ना, आपके पास अभी है एग्ज़ाम देने के लिए टाइम है ना, अभी आपके पास कितने टाइम है, आपके पास 5 साल 10 साल या 3 साल है या 1 साल है, जितना भी है उस एग्ज़ाम को उतने लेवल पर दो तो सही, वो 1 साल के लिए आप एग्ज़ाम दो तो सही। आज जिसकी एज 30 हो जाती है वो सोचता है कि यार मेरी एज तो 30 हो गई है, 20 की एज में लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। अरे भाई आपकी एज 30 हुई है ना, 35 तक एग्ज़ाम दे सकते हो ना आप, तो 35 तक देके तो दिखाओ पहले एक बार। 35th एग्ज़ाम जिस दिन आप दोगे और उस दिन नहीं हुआ और आपने अपना 100% दिया था, फिर आपकी बात मानी जाएगी कि हाँ आपने अपना 100% दिया, अब आपका नहीं हुआ है तो आप कोई दूसरी लाइन चूज़ करें और उसमें जाए। 35th की एज तक आप एग्ज़ाम दो तो सही, वो हिम्मत तो लाओ। तो इसी के साथ जब उन्होंने अपना रोल नंबर देखा, उन्हें वो खुशी महसूस होने लगी, उन्हें वो पिछला बीता हुआ पूरा पल याद आने लगा। और इसी के साथ 2019 सितंबर में उन्हें पोस्टिंग मिली जोधपुर ज़िले में, तो उन्होंने वो ज्वाइन कर ली। प्रेम कुमार जी की कहानी से हमको कुछ चीज़ें सीखने को मिली है और वो खुद शायद उस 3 चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा रखते थे कि मुझे लाखों की भीड़ से अलग होना है, कुछ नया करके दिखाना है और कुछ अलग करके दिखाना है। तो वो उन्होंने 3 चीज़ें सिद्ध करी और वो आज गवर्नमेंट पोस्ट पे है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि 10 साल तक एग्ज़ाम की तैयारी करना डीमोटिवेट तो होता है, आदमी छोड़ने का मन करता है कि यार कुछ और कर लेते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कभी ऐसा मन होता है, आप हार मानना चाह रहे हैं या फिर आपका हार मान ही लिया आपने, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस पोस्ट के लिए आपने एग्ज़ाम दे रहे हो या जिस पोजिशन पर आप जाना चाहते हो वो दिमाग में रखिए कि वो पोस्ट की वैल्यू क्या है। कि जैसे कि आप IAS बनना चाहते हो तो एक IAS की वैल्यू क्या है, IAS क्या कार्य करता है, IAS को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप वो पोजीशन पे सोचिए, अपने आप को एक महसूस करके देखिए कि आप उस पोजीशन पे बैठे हैं, तो आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, वो सोच के आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट रहेंगे। प्रेम कुमार जी एक और सीख सभी को देते हैं कि आप जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपने जो निर्णय लिया है कि इस रास्ते पर मेरे को चलना है और ये पाना है, मेरे को कुछ इच्छा है आपकी, तो उसके लिए अगर आप चल रहे हैं और आपके सामने समस्याएं नहीं आ रही है तो आप रुकिए और सोचिए कि आप गलत राह पे तो नहीं चल रहे, क्योंकि जिस राह पे समस्याएं या कठिनाइयां नहीं है तो समझिए वो राह गलत है, और जिस राह पे समस्याएं और रास्ते में रुकावट है तो समझिए आप सही कार्य कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आप उसको पाने वाले हैं। 3 चीज़ें और वो सभी को बताते हैं कि ये अगर आप अपने पूरी लाइफ में अपनाते हैं तो कभी भी किसी भी कार्य, कोई भी छोटे से लेवल पे कार्य पे भी अगर आप ये अपनाते हैं तो आप सफल होंगे और आपको कार्य सिद्ध होगा। जैसे कि अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत, ये 3 चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो कभी आप हारेंगे नहीं। अनुशासन यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो जिस रूटीन से कर रहे हैं उस रूटीन से डेली करते रहिए। ईमानदारी यानी कि आप रात को सोने से पहले ये सोचिए कि आपने आज कितना पढ़ा है, आप ईमानदारी से अपने आप को कहिए कि आपने कितना पढ़ा है या कितनी मेहनत करी है,
अगर आपके दिमाग में आता है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है तो आप सही राह पे हैं। और तीसरी चीज़ है मेहनत, यानी कि आपको एफर्ट्स पूरे देने हैं, ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं थोड़ा सा पढ़ रहे हैं फिर बाद में रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके सामने जितनी मेहनत आपसे होती है आप उतनी करिए, सफलता की हद तक जाना है आपको, सफलता आपके कदम चुनेगी। अब एक मशहूर शायर की शायरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, तो इसमें जहाँ भी मैं आया है वहाँ पे अपने आप को रख के देखिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो वो कुछ इस प्रकार है, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। कि उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा मैं सुनता रहा, लोगों की बातों को मन में दबाए मैं सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, फिर ये पागल उन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा, पूरा इतिहास बदलेगा। तो आज की कहानी को इसी के साथ विराम देते हैं, होप कि आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा परसेंट आपको मोटिवेट किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमको अच्छा लगता है। हम इसी तरह आगे मेहनत करते रहेंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद।